लॉकडाउन के 42 दिन बाद ठेके खुलने से आबकारी विभाग को 8 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त। आबकारी निरीक्षक डॉक्टर संपत राज ने कहा, प्रदेश में शराब की कोई कमी नहीं। स्कूल के पास शराब का ठेका खुलने को लेकर स्कूल संचालक ने जताया विरोध। सूचना पर उत्तर उप अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी और किशनगंज थाना अधिकारी दिनेश कुमावत पहुंचे मौके पर। नकबजनी की वारदात करने वाले दो आरोपियों को गंज थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात और नकदी की थी चोरी। जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा बिहार के लोगों के लिए जयपुर तक भिजवाई 2 बसें। लॉकडाउन में फंसे बिहार के रहने वाले 61 मजदूरों को भिजवाया गया। रमजान के पाक महीने के चलते गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की ओर से 84 परिवारों को सूखी सामग्री का किया गया वितरण। घर घर जाकर सर्वे कर रही है कोरोना योद्धा। पाली के जवाली में आंगनबाड़ी केंद्र 3 का सर्वे जारी। आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाएं कर रही है गांव में सर्वे। द ह्यूमन बीइंग ट्रस्ट के तत्वावधान में उदयपुर में रोटी के नाम से आम जन के लिए की गई एक पहल। आर्थिक रूप से अत्यधिक कमजोर परिवारों को दी जा रही है सहायता। फैमिली कोर्ट महिलाओं और बच्चों का गुजारा भत्ता भी लॉक। लाखों रुपए के चेक अदालत में ही अटके। पक्षकारों तक नहीं पहुंच पा रही है गुजारा व निर्वाह भत्ते की चेक राशि। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई बैंक लोन पर दिए गए मॉरेटोरियम की सीमा को दोबारा से 3 महीने के लिए बढ़ा सकता है। 10वीं के 10 लाख से अधिक स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम की नींव। ऑनलाइन स्टडीज पर निर्भर 3 माह की पढ़ाई किताबों की जगह वर्चुअल मोड पर। छात्रों का स्क्रीनिंग टाइम 6 घंटे तक बढ़ा।